This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। छिंदवाड़ा में मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे बेटे ने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे क्या वजह रही होगी, इसका खुलासा नहीं हो सका है। जालंधर अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी पंजाब के रूपनगर रोपड़ जिले में 13 जगहों पर छापेमारी कर रही है। रोपड़ जिले के आसपास के इलाके और ईडी द्वारा कुर्क की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। महाराष्ट्र के सांगली जिले में कार नहर में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि पीएम मोदी को कोसना राहुल गांधी का एक सूत्रीय एजेंडा है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत का एहसास नहीं है। इसराइल द्वारा गाजा के रफा शहर पर सोमवार रात और मंगलवार को किए गए हमले में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा के फिरिंगिया के पास एक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 9 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा में चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से 3 दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी डीएस कुटे को निलंबित करने की सिफारिश की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में राहत शिविर का दौरा किया। उन्होंने लोगों को हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया है। चक्रवात रेमल की वजह से हावड़ा नदी ने कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। AIMIM प्रमुख असियुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा है और जहां जहां पीडीएम के उम्मीदवार हैं वहां हम उनके लिए अपील कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने दुनिया में भारत के प्रति सम्मान बढ़ाया। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने गरीबों के लिए मजबूत कल्याणकारी योजना बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे पर रहेंगे। पीएम बारीपदा, बालेश्वर और केंद्रपड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में टाउन हॉल से रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोनभद्र में प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के पटियाला और लुधियाना में चुनावी रैली करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 22 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि सीबीआई अपराध के मकसद को स्थापित करने में विफल रही है। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की जांच बांग्लादेश का डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, पश्चिम बंगाल सीआरडी और कोलकाता पुलिस कर रही है। मामले की जांच के लिए टीमों के सामने कई चुनौतियां, क्योंकि सांसद के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया था। अजित पवार की एनसीपी ने मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच उन्होंने उम्मीदवारी की भी घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आज कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 मई को कोकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर लू की चेतावनी भी दी गई है। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ ओपनिंग हुई है और सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान के साथ खुले हैं। कमजोर ग्लोबल संकेत और घरेलू निवेशकों की खरीदारी कम होने के चलते शेयर बाजार से आज उत्साह गायब है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।